जब भी मैं इसी को ऑन कर रहा हूँ वहाँ पे स्पार्किंग हो रही है। मैं प्लान कर रहा हूँ एक और बाइक लेने का। दो बाइक्स के बीच में कंफ्यूजन बहुत खतरनाक तरीके से चल रहा है। निखिल के हो चुके हैं 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट। जो आ रहा है भाई, वो एक बंदे के साथ फ्रॉड कर दिया था हमने। उसका एक टायर टूट चुका है, उसको वेल्डिंग करानी थी। पहले मैंने प्लान किया था कोई एडवेंचर बाइक लेने का, तो एडवेंचर बाइक में हमारे पास दो ऑप्शन थे। अरे चोरी का भाई, कितने रुपए की गेम खरीद चुके हो तुम? 6-7 हज़ार। 6-7 हज़ार के भाई, देखो मुंह बना के 6-7 हज़ार की गेमिंग गेम खरीद लगे हैं बंदे ने। अभी एक खाली है यहाँ पे, एक चाबी और आने वाली। गाइस उधर जो आप देख रहे हैं ना गहरी बातचीत, सोचो किस चीज की बातचीत हो रही होगी वहाँ पे। और रोल्स रॉयस वगैरह लूटेंगे। ये देखो भाई किचन, किसी को चाहिए हो तो बता दे रहे। मैं बहुत गरीब हूँ, प्लीज मुझे सपोर्ट करो। हेलो गाइज एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो भाई आज की सुबह हो रही है चाय और बारिश के साथ। अभी अभी मैं सो के उठा हुआ, मैंने देखा कि बारिश हो रही है। भाई पिछले कुछ दिनों से जब भी मैं सो के उठता हूँ सुबह सुबह बारिश ही देखने को मिलती है। वैसे अभी हो रहे सुबह के 10, आज यार मैं काफी ज्यादा लेट उठा हूँ, क्योंकि यार कल रात में पता नहीं यार नींद ही नहीं आ रही थी। मैं 3 बजे सोया और कुछ भी काम नहीं था, फिर भी पता नहीं यार नींद ही नहीं आ रही थी। अभी चाय खत्म करते हैं, और आज हमने सोचा था कि स्ट्रीम भी करेंगे, तो अभी मैं चाय खत्म करके शिवम को कॉल करूंगा और देखता हूँ, उसको बुलाता हूँ और फिर हम लोग स्ट्रीम करेंगे। वैसे हम लोग कल भी स्ट्रीम करने का सोच रहे थे, लेकिन कल नहीं किया हम लोगों ने। तो चाय ठंडी हो रही है, इसको खत्म कर लेते हैं पहले। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12:30। शिवम भाई और रोहित भाई आ चुके हैं, इधर रखा हुआ है खाना। और यहाँ पे देखो भाई GTA 5 की चल रही डाउनलोडिंग, और ये पता नहीं भाई कब तक डाउनलोड होगा। 106 GB का ये गेम है। टाइमिंग कहाँ दिखा रहा है भाई, ये दिखा रहा है क्या? नहीं नहीं अभी टाइमिंग नहीं दिखा रहा, दिखा नहीं रहा है भाई, टाइमिंग नहीं दिखा रहा। लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि 6-7 घंटे तो लगेंगे ही, शाम तक हो पाएगा डाउनलोड। और गाइस आप लोग और बताना कि आप लोग किस किस की लाइव स्ट्रीम देखना चाहते हो। इतने सारे गेम्स हैं गॉड ऑफ वार, इतने सारे गेम्स हैं जो अभी खरीद रखे हैं। ये निखिल भाई की आईडिया भाई, मैंने तो खरीदे हुए नहीं है। निखिल भाई को ज्यादा शौक है गेमिंग का, तो भाई ने खरीद रखे हैं GTA 5, गॉड ऑफ वार, पबजी बैटल, और ये कौन सा है पबजी एक्सपेरिमेंट, अच्छा अच्छा स्नाइपर इलाइट 4। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और गेम चाहिए तो कमेंट करके बताओ। बाकी भाई आप लोगों की डिमांड पे मैंने एक गेमिंग चैनल खोला हुआ है डेवल डीड गेमिंग के नाम से, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यार जाओ और जाके सब्सक्राइब करो। अभी फिलहाल तो मैं अपने मेन चैनल पे स्ट्रीम करने वाला हूँ, लेकिन भाई कल से हम लोग इसी चैनल पे स्ट्रीम करेंगे। तो जाओ और जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और विदाउट लिंक अगर आप ऐसे यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च करोगे तो पहले नंबर पे आपको मिल जाएगा डेवल डीड गेमिंग। तो जाओ और जाके यार सब्सक्राइब कर दो। यार कल से मिलते हैं इसी चैनल पे। तो भाई खाना वाना खाते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग। सो गाइस खाना पीना तो हो चुका है, अभी हम लोग जा रहे थे गेमिंग के लिए, लेकिन उससे पहले एक टास्क आ गया है। भाई अपनी AC नहीं चल रही है, यहाँ पे देखो इसका स्टेबलाइजर रखा हुआ है, वहाँ पे कुछ स्पार्किंग हो रही है। जब भी मैं AC को ऑन कर रहा हूँ वहाँ पे स्पार्किंग हो रही है, तो ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या है। जहाँ तक मुझे लग रहा है वायर लूज हो गए होंगे, तो वो टाइट करना पड़ेगा। बिना AC के भी बहुत गर्मी लग रही है, मजा आ रहा है। तो भाई अभी देखो यहाँ से टास्क है, यहाँ से हमें ऊपर जाना है। सिंपल रास्ता नहीं है, कठिन रास्ता है, चढ़ाई है। देखो ये सिस्टम, ये जो है ना ये लूज हो जाता है, इसको टाइट करना पड़ता है। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ अपने गेमिंग सेटअप पे। इधर देखो मैकबुक रख दिया है, इधर कमेंट्स वगैरह देखने के लिए, यहाँ पे हम गेमिंग करेंगे। तो अभी सारा सेटअप डन कर चुका हूँ मैं, अभी शुरू करते हैं। शिवम भाई क्या खेलने वाले हो आज? हारोगे हर चीज में, कुछ भी खेल लो अपनी इच्छा से। तो भाई अभी तो टेकन 7 खेल रहे हैं, क्योंकि GTA 5 अभी रह गया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना रह गया है डाउनलोडिंग के लिए। ये देखो भाई 36 GB डाउनलोड हो पाया है, अभी करीब 75 GB डाउनलोडिंग बाकी है। तो गाइस स्ट्रीम करते करते हो चुके हैं, पता नहीं कितने घंटे हो चुके हैं, शायद एक बजे से हम लोगों ने स्ट्रीम स्टार्ट करी थी। और टाइम हो रहा है भाई 4:15, 3-3.5 घंटे हो गए स्ट्रीम करते करते। मैं तो अब गेम नहीं खेल रहा, बाकी ये दोनों अभी भी लगे हुए हैं भाई, अभी भी गेमिंग चल रही है। कब से? आधा घंटा हो गया भाई आज। आज भाई मैं अभी बहुत ज्यादा आ रहा हूँ, बहुत बुरी स्थिति रही है भाई। और गेम देखो अभी भी चल रहा है। तो भाई जिसने गेमिंग चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज यहाँ पे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी गाइस देखो अपना GTA 5 83 GB डाउनलोड हो चुका है, बस थोड़ा सा ही रह गया है, 78% डन है अपना। कुछ ही घंटों में GTA 5 डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अपने गेमिंग चैनल पे लाइव स्ट्रीम करेंगे GTA 5 को। तो गाइस अभी चल रहा है GTA 5 का इंस्टॉलेशन, अभी पूरा डाउनलोड नहीं हुआ है। उससे पहले क्या डाउनलोड करना होता है दोस्त? रॉकस्टार लॉन्चर डाउनलोड करना होता है। तो भाई गेम डाउनलोड होने के बाद गाड़ियां लूटनी है, बस अपना मिशन तो ये रहता है, गाड़ियां लूटनी है और आतंक मचाना है।
भाई मैं तो GT5 में भी बाइक ही चलाता हूँ और रॉल्स रॉयस वगैरह लूटेंगे। ये देखो भाई किचन किसी को चाहिए हो तो बता देना, इतना बड़ा ये वाला निखिल भाई का। क्या करो निकाल ले हो क्या? क्या क्या ले रहे हो? बाइक ले रहा हूँ। कौन सी बाइक ले रहे हो? दोनों ले लूंगा। तो भाई बाइक से एक बात मैं आपको बताता हूँ, जल्दी ही भाई आप लोगों को एक गुड न्यूज मिलने वाली है। नहीं भाई मैं प्लान कर रहा हूँ एक और बाइक लेने का। अच्छा प्लान कर रहे हैं दो बेबी करने का। सो गाइस प्लान कर रहा हूँ, मतलब प्लान हो चुका है, सारी चीजें डन है, बस दो बाइक्स के बीच में कंफ्यूजन चल रहा है। तो जैसे ही कंफ्यूजन खत्म होता है उसके बाद आपको बताते कि कौन सी बाइक ले रहा हूँ। पहले मैंने प्लान किया था कोई एडवेंचर बाइक लेने का, तो एडवेंचर बाइक में हमारे पास दो ऑप्शन थे जो मैंने बजट बनाया हुआ था, एक्सपल्स 200 और हिमालयन 400। हिमालयन का थोड़ा सा मैंने इसलिए हट रहा था क्योंकि हिमालयन भारी है और अपने पास डोमिनार भी है तो वो भी भारी है, तो सोचा था मैंने एक्सपल्स 200 लेने का। लेकिन भाई वो वाला प्लान मैंने थोड़ा सा कर दिया ड्रॉप नहीं किया है उसको, थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया है। अभी जो बाइक मैं ले रहा हूँ, जो दो बाइक बताई मैंने पहले, इनमें से एक को लेते हैं, उसके थोड़े टाइम बाद एक्सपल्स भी लेंगे या फिर एक्सपल्स या हिमालयन, जो भी उस टाइम पे मूड बन रहा होगा। ये क्या चल रहा है भाई पीछे? लड़ाई चल रही है, सास बहू की लड़ाई। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने सोचा कि डेरे कुछ चीजों के लिए प्लान कर रहे हैं, उसमें से ये चीज है कि भाई के एक बेबी हो चुका है, दूसरा बेबी करने का प्लान चल रहा है। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन इसमें आ रही है कि नाम किस किस का क्या रखा जाए। ये बाइक ये बकवास, इग्नोर कर। सो गाइस ऑफ रोडिंग बाइक का जो प्लान कैंसिल करा हुआ वो निखिल भाई ने करवाया है। फेयरिंग बाइक लो पहले, क्योंकि इन भाई ने फेयरिंग बाइक ले लिया ना RR 310। तो भाई आपकी ही ले लो क्या? जी कौन सी बाइक है? ये है एक कबाड़ा सी बाइक है थोड़ी, RR 310। भाई ऐसे मत कहो यार। हाँ 310 क्या का नाम है भाई? ऐसे मत कहो यार। अच्छा 310 सीसी है क्या? हाँ। ये बात तभी नहीं सुनी है कि मैं 400 सीसी से ऊपर की बातें सुनता हूँ। जल्दी जल्दी भाई वो कैमरे से हटाओ, जल्दी हटाओ, 400 का बीट करती है। तो भाई निखिल भाई ने इतना कहा कि फेयरिंग बाइक लो, कोई स्पोर्ट्स बाइक लो कि निखिल भाई ने माइंड में सेट करवा दी वो चीज कि अभी कोई फेयरिंग बाइक लेते हैं। तो फेयरिंग बाइक कौन सी, अगर आप लोग गेस कर सकते हैं तो कमेंट्स में बताओ, बाकी जल्दी रिवील करते हैं। दो बाइक्स के बीच में कंफ्यूजन बहुत खतरनाक तरीके से चल रहा है। गाइस अगर आप मेरी वीडियो पे ज्यादा प्यार दिखाओगे तो मैं पहले रिवील कर दूंगा। ओह माय गॉड। बाकी भाई शिवम भाई के 500 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, जल्दी जल्दी भाई के 1000 सब्सक्राइबर्स करवाओ। ये देखो भाई अब कांग्रेचुलेशन बोला जा रहा है। तो भाई जल्दी जल्दी भाई के 1000 सब्सक्राइबर्स करवाओ, यहाँ पे चैनल का नाम आ रहा होगा। भाई जल्दी करा दो, आज ही करा दो। कमेंट में आके कांग्रेचुलेशंस बोलो भाई को। और भाई निखिल के हो चुके हैं 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट। भाई जब भी हम लोग राइड पे होते हैं तो लोग चैनल का नाम पूछते हैं, तो निखिल भाई से सबसे पहले पूछते हैं कि भाई आपके चैनल का नाम क्या है, क्योंकि उनके पास 310 सीसी है ना, इसकी वजह से निखिल तो हमारा बीट करती है। निखिल भाई सड़ा था मुंह बनाते हुए कहते हैं भाई मेरा कोई चैनल नहीं है। सड़ा था नहीं निखिल भाई, मैं इन्हीं के चैनल में आता जाता रहता हूँ। नहीं इन दोनों में मेरा चैनल बात तो एक ही है ना। तो भाई थोड़ा सा जरूरत पड़ रही है थोड़ी इन्वेस्टमेंट की। हेलो कौन? हेलो इनका फोन कहाँ है भाई? ये वाला मेगा वाला फोन भेज दो। अरे चोरी का भाई, चोरी तो क्या हुआ, बिक तो जाएगा कुछ तो बिकेगा। अभी कुछ दिनों पुलिस आने वाली है। राय जी देखो बस थोड़ा सा ही रह गया है, 99%। अब मैं इसको काट रहा हूँ, 5 बज चुके हैं भाई, 1 बजे से डाउनलोडिंग पे लगा हुआ है। अब मैं इसको काट रहा हूँ, यहीं से दोबारा से स्टार्ट करना चाहता हूँ डाउनलोडिंग। सो भाई नहीं कुछ ही पल बचे हुए हैं, गाइस लफड़ा होने वाला है गाइस, बेसब्री से इंतजार चल रहा है। सही बता गाइस, ये देखो चाबियां टंगी हुई है, अभी एक खाली है यहाँ पे, एक चाबी और आने वाली है। रोड चल रहा है, एक बाइक की दो चाबी है, दोनों इधर चंगी, तो ये लग रहा काफी सारी चाबी है, समझ रहे हो? दो बाइक की सारी चाबियां कहाँ है, कहाँ है दो बाइक की? अब बस वही तो, अब क्या समझाऊं मैं पब्लिक को, तो तुम ऐसे बोल सकते हो ना ये दो बाइक की डबल चाबी है भाई, देखो सब अलग अलग चाबी है। इसको यहीं पे लगा देते हैं भाई। ओहो ये क्या हो गया भाई, वेरीफाई हो रहा है यार।
फिर से देखो परसेंटेज देखनी पड़ेगी, लेकिन ये वाली ज्यादा तेज बढ़ रही है, डाउनलोडिंग वाली बहुत धीमे 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 बढ़ रही थी। तो भाई देखो इस वाली चेयर से काम चलाना पड़ रहा है। अपनी जो चेयर थी भाई एडिटिंग चेयर, वो नीचे से उसका एक टायर टूट चुका है, उसको वेल्डिंग करानी थी। वो हम लोग आज जाने वाले थे लेकिन जा ही नहीं पाए। अभी देखो अगर ये जल्दी यहाँ से फ्री हो गए तो उसको लेके चलेंगे, उसको वेल्डिंग कराना है। तो गाइस देखो अभी चल रही है जुगाड़। अरे नहीं मिस्त्री, हमको यहाँ पे देखो वेल्डिंग करवानी है। वाला तो ठीक है, दो वाला टूट गया है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसको यहाँ से खोल लें ताकि ये पूरी चेयर ना ले जानी पड़े, थोड़ा सा आराम हो जाए। लेकिन भाई ये खुल ही नहीं रहा, लगे पड़े हैं भाई। ये देख रहे हो पूरे बेड का क्या हाल मचा हुआ भाई ने जी बेटा। और भाई देखो काम चल रहा है ऑफिस का, इससे ज्यादा मजे में कोई इंसान लगता नहीं। मुझे वर्क फ्रॉम होम चलता है, कहीं भी बैठ के बंदा शुरू हो जाता है फ्रॉड करता, पूरे दिन बैठ के फ्रॉड करता है यार। हां फ्रॉड ही है फ्रॉड, जो आ रहा डिटेल लिए भाई, वो एक बंदे के साथ फ्रॉड कर दिया था हमने उसी दिन निकाल ली तुरंत। हाँ भाई देखो, वरना पहले से अपडेट वगैरह मिलती कुछ नहीं, एकदम अचानक से ले रही थी, वो यही रीजन था निकलवाई का। गाइस ये देखो वेरीफाई अभी तक हो नहीं पाया, 59% हो गई, कम से कम 15 मिनट हो गए। निकल भाई इतने पड़े लगे हैं, कह रहे हैं पॉज कौन कर देता। ये देखो भाई, भाई कुल्लड़ हो गया बिल्कुल भाई। सो गाइस फाइनली GTA 5 हो चुका है डाउनलोड, फीलिंग एकदम तगड़ी वाली खतरनाक। शिवम तो घर जा चुका है सुबह से यहीं पे है। टाइम भाई देखो कितना हो रहा है, दिखा दूं मैं, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है भाई। देख रहे भाई 5:30 बज चुके हैं, हम लोग 1 बजे से यहीं पे हैं, रूम में ही पड़े हुए हैं, गेमिंग कर रहे हैं। फाइनली अपना GTA 5 भी डाउनलोड हो चुका है भाई। मैंने सोचा था कि रात में 8-9 बजे डाउनलोड हो पाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से डाउनलोडिंग स्पीड आ रही थी ना, ऐसा ही लग रहा था। और 105 GB देख के और दिल घबरा रहा था। फाइनली डाउनलोड हो चुका है, अभी इसकी स्ट्रीम करेंगे हम लोग शाम को। ये देखो भाई एकदम खतरनाक। तो यार शाम को मिलते हैं आप लोगों से स्ट्रीम पे, काफी टाइम बाद यार खेलूंगा, 7-8 महीने हो गए, उससे पहले मैंने खेला था GTA 5। हाँ इसी पे पहले था मेरे पास, मैंने डिलीट कर दिया था यार, स्टोरेज का दिक्कत पड़ी। ये वाला ऑनलाइन वर्जन है ना? हाँ भाई ये ऑनलाइन वर्जन है। मेरे पास जो पहले था वो मैं ऐसे ही लेके आया था पेन ड्राइव में, जो क्रैक वाला वर्जन होता है वो वाला, लेकिन ये निखिल भाई ने खरीदा हुआ है। हम इससे ऑनलाइन प्ले कर सकते हैं इसमें, और क्या क्या होता है मतलब जो यूट्यूबर फिलहाल में जो करते हैं ना लाइव स्ट्रीम, सब इसी वो सब इसी से होती है किसी वाले। कितने रुपए की गेम खरीद चुके हो तुम? 6-7 हजार। 6-7 हजार के भाई देखो मुंह बना के 6-7 हजार की गेमिंग गेम खरीद लगे हैं बंदे ने। घोड़ा वार था, घोड़ा वार तो 3 दिन का, तो घोड़ा वार ही है 3,000 का। वो खतरनाक देख रहे हो भाई गेम पे कितना पैसा उड़ाया जा रहा है। अरे मैंने अभी तक कोई भी गेम नहीं खरीदा, ऐसे क्रैक वाले हैं मेरे पास। टेकन 7 है, वो भी क्रैक वाला है, लेकिन टेकन 7 हम लोग प्लान कर रहे हैं खरीदने का, सोच रहा हूँ मैं टेकन 7 सस्ता है इसलिए प्लान कर रहा हूँ गाइस। भाई देखो अंदर का नजारा दिखाता हूँ, देखो पुलिस, बैटमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन दो है गाइस, एक ही है। ये देखो इसका पीछे वाला पंख उड़ता है, और ये रखी हुई है मस्टैंग, और नीचे भी पता नहीं कौन सी है। यहाँ पे बस एक कुछ टाइम बाद एक डेल भाई जो फेयरिंग भाई की वो, और एक आर आर का एक डमी यहाँ पे रखना है बस। तो गाइस अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं, सुबह से गेमिंग कर रहे थे, सुबह से घर पे पड़े हैं सारे लोग। अभी टाइम हो रहा है 7:03, सोचा कि चलो थोड़ा बहुत बाहर घूमने चलते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चाय बंदी, मैं और शिवम जा रहे हैं शिवम की जुपिटर से। बाकी निखिल भाई का भी फोन आया था, निखिल भाई भी घर से निकल चुके हैं, तो निखिल भाई हमें चाय बंदी मिलेंगे। तो चलते हैं, एक चाय की चुस्की लेते हैं और थोड़ा टाइम बैठते हैं, उसके बाद फिर से घर जाएंगे। GTA 5 की लाइव स्ट्रीम करनी है भाई आज। गाइस यहाँ पे कहीं भी निखिल नहीं है, और निखिल कह रहा है मैं चाय बंदी भी बैठा हूँ, कॉल करना पड़ेगा भाई। मैंने अभी निखिल को कॉल किया तो बोल रहा है नदरी गेट पे है। जब निखिल ने मुझे कॉल किया तो बोल रहा है चाय बंदी पे हूँ, जल्दी आ जाओ भाई। निखिल पार्टी आ चुकी है, ये बहुत स्लो चलती है, इसकी से लेट आ पाया भाई, 400 CC होती भाई। देखो निखिल भाई भाग के गए, फोन लगा तोड़ा है बंदा, निकाल लिया ये देखो भाई दो शब्द। तो गाइस अपनी पनीर पेटीज और चाय आ चुकी है। इन लोगों का बजट थोड़ा सा लो है, बहुत तो उस वजह से ये लोग चाय नहीं पी पा रहे, तो थोड़ा सा सपोर्ट करो भाई इन लोगों को भी। मैं बहुत गरीब हूँ, प्लीज मुझे सपोर्ट करो ताकि ये चाय पी सके अगली बार पेटीज के साथ भाई मेरी भी सॉस ले ली इनने यार। अरे शिवम भाई भाई मैंने मंगाई बोतल वाली, गाइस देख रहे हो कितनी बेकदरी से खाया गया है, कितनी बेरहमी से। इधर देखो गाड़ी अभी भी चालू है। गाइस इसी के साथ निखिल भाई पेमेंट करने जा रहे हैं हम लोगों का। गाइस उधर जो आप देख रहे हैं ना गहरी बातचीत, सोचो किस चीज की बातचीत हो रही होगी वहाँ पे।
कोई गैस नहीं कर सकता, वो बातचीत हो रही है यहाँ पे, गहरी बातचीत। गाइस बातचीत हो रही है पेमेंट की, कि आज पेमेंट कौन करेगा। मैंने तो भाई अपना पेमेंट कर दिया उधर, इन दोनों का नहीं किया भाई आज। अब दोनों में लफड़ा पड़ा हुआ है कि कौन करेगा। उसने देखो क्रेडिट कार्ड निकाल लिया पेमेंट करने के लिए, नवाबी दिखाने के चक्कर में, और इधर देखो लफड़ा पड़ा हुआ है। क्या भाई देखते हैं आप इन दोनों में तो पेमेंट करता कौन है। तो भाई फाइनली निखिल भाई पेमेंट करने के लिए जा रहे हैं। अरे भाई बैग लेने आया बंदा। निखिल भाई भागने की कोशिश मत करना, कह दूंगा यहाँ पे पीछे। हाँ घर तक लेके आऊंगा इन्हें। और भाई पेमेंट बता रहा हूँ कितना होना है, 80 रुपए का पेमेंट होना है। 80, 20 कम 100। आजकल के नल्ले बेरोजगार लड़के RR 310 ले लेते हैं, और जिससे कि लोगों को ये लगे कि कोठी बंगले वाले लोग हैं, लेकिन 80 रुपए का पेमेंट करने के लिए बजट डालते हैं।